क्लिंजर से सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का ग्रीन टी टोनर, और ये बहुत जल्दी से फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है और मैं उसको डैप डैप करके अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये प्लम का ग्रीन टी नाइट जेल, और इसको मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं अपने फेस पे ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ कर सकती हूँ, नहीं करती हूँ मैं बिकॉज आई डोंट लाइक दैम। एंड ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, सो आई यूज़ इट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये कलर बाग का प्राइमर, और इसका मैं एक ड्रॉप जितना अमाउंट लूँगी एंड दैट्स इनफ फॉर माई फेस। सो इसको मैं अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करते हुए पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करें बिफोर मेकअप बिकॉज आप बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सा आपको फेस आपका मिल जाएगा, सो बहुत ईजी रहेगा उसमें मेकअप करना, बहुत आपका मेकअप सेट रहेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लॉरियल इनफॉलेबल फाउंडेशन। शेड वगैरह मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो ये थोड़ा सा मेरी शेड मेरे स्किन टोन से लाइट है बिकॉज फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करते हैं, सो मैंने ये चूज़ किया था जब मैं अपनी किट तैयार कर रही थी पूरी मेकअप की। एंड आई लाइक दिस शेड, बहुत अच्छे से मेरे बाद में जब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ ब्लेंड हो जाता है बहुत अच्छे से मेरे फिर ये स्किन टोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से मैच हो जाता है। सो जो मैं ब्लेंडर यूज़ किया मैंने मिनीसो से लिया था एंड दिस इज़ फॉर ₹400 एंड इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये मेबलिन फिट मी कंसीलर, शेड इसका मीडियम है और इसको मैं अपने अंडर आई अप्लाई कर रही हूँ इस एक ट्रायंगलर की शेप में। एज़ यू कैन सी जो भी आपके हाइलाइटिंग पॉइंट्स है सो आप इसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अंडर आई हो गया और आपके ब्रिज ऑफ द नोज़ हो गया, आपका फोरहेड हो गया, चिन हो गया, क्यूपिड्स हो गया, यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर लीजिए। एंड देन इसको मैंने सेम ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। मेरी वॉइस में थोड़ा सा एको क्रिएट हो रहा होगा सो उसके लिए सॉरी बिकॉज मैं एक खाली सी जगह पे सब वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो हाँ मुझे पता है कि एको क्रिएट हो रहा होगा। एंड मैंने सेम कंसीलर को मैंने अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर लिया। आप चाहो तो कोई आई बेस आई प्राइमर जो भी आपके पास है उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका जो आई शेडो कलर होगा बहुत अच्छे से एनहेंस होकर आएगा। एंड इसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना, ब्लेंडिंग जो है वो मेकअप की की है, जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना आपका अच्छा मेकअप दिखेगा। अब इतना ही ब्लेंड मत करना कि मेकअप ही उड़ जाए। सो ओके सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी प्रेस्ड पाउडर। सो मैं इसको अपने अंडर आई जो मैंने कंसल लगाया था उसको सेट कर रही हूँ उस पाउडर की हेल्प से, और आपको ज़्यादा आपको नहीं लेना है फेस पाउडर नहीं तो आपके फाउंडेशन को बहुत केकी बना देगा। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये शुगर की ये कॉन्टोरिंग हाइलाइटिंग एंड ये जो भी होता है इसके अंदर ब्लश वाली पैलेट। ओके सो इसका मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ब्रॉन्ज़र एंड मैं ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर रही हूँ, और मैं एक पाउडर ब्रश मैंने लिया है मैं उसी से इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस को बहुत स्कल्प्टेड दिखाने के लिए ताकि फेस को एक अच्छी सी शेप मिल जाए। एंड सेम ब्रॉन्ज़र मैं जॉलाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड फोरहेड पे, और फिर मैं इसी को अपनी नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे अप्लाई कर रही हूँ, और इसे फिर हम ब्लेंड कर लेंगे। देन बारी आती है ब्लश की, तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है ये नायका की लिपस्टिक, शेड है इसका डेवियस पिंक, और वैसे न्यूट मेकअप लुक है बट मैंने इसको इसलिए चूज़ किया ताकि जो मेरा ब्लश है वो मैं इसके ऊपर एक और अभी कोरल शेड लगाऊंगी, सो मुझे लगा कि बहुत अच्छा से कलर आएगा और आया भी। सो मैंने पहले पिंक कलर की लिपस्टिक को अपने हाथों से इसको मैंने ब्लेंड कर लिया अपने फिंगर की हेल्प से, दोनों मैंने चीक्स पे इसको अच्छे से इसको मैंने फिंगर की हेल्प से पूरा ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ये SFR का ये ब्लश ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटिंग पैलेट है ये भी। सो इससे मैंने एक कोरल सा शेड लिया है, कोरल पीची सा शेड है ये, एंड इसको मैंने फिर अपने ब्लश पे अप्लाई कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा था ये बाद में। डोंट वरी इतना पिंक नहीं दिखेगा ये, बहुत अच्छे से आपके न्यूड मेकअप लोकेशन जाएगा। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये मेबलिन का ये हाइलाइटर। सो इसको मैं यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ चीक बोन्स पे और थोड़ा सा ब्राउ बोन के ऊपर,
आप देख सकते हो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये हाइलाइटर, आई रियली लव्ड इट। मैंने इसको अभी रिसेंटली मैंने इसको लिया है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। देन मैंने इसको पाउडर, एक पाउडर ब्रश लिया एंड उसको आगे से फ्लैट करके इसी ब्रश से मैंने इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी नोज़ पे, अपने क्यूपिड्स पे एंड चिन पे एंड थोड़ा सा मैं इसको फोरहेड पे भी लगाऊंगी। मैंने फिर से यही प्लम का ये टोनर लिया और मैं इसी से अपने मेकअप बेस को सेट कर रही हूँ और इसने मेरे मेकअप बेस को बहुत अच्छे से सेट कर दिया। मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा है एज अ टोनर, एज अ फिक्सिंग स्प्रे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो मेकअप को फिक्स करने के लिए। देन आई एम यूजिंग दिस मार्स आईब्रो पैलेट और इससे मैंने लिया है ये डार्क ब्राउन शेड। इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हो मैं कैसे फिल कर ले रही हूँ। पहले मैंने एक आउटलाइन सी दी एंड देन आई एम फिलिंग दिस पाउडर। सो सेम ब्रश मैंने यूज़ किया है जो इस पैलेट में आपको मिलता है, उसी को मैंने यूज़ किया है। अच्छे से अपनी आईब्रोज को फिल करना, अच्छा सा टाइम देना है इसको ब्लेंड करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे इस, मेरे पास ब्रश नहीं था कोई भी, तो मैंने ये क्या शुगर का, मेरे पास आईब्रो पेंसिल थी तो मैंने उसके पीछे ब्रश था तो उसको मैंने यूज़ किया इसको अपनी आईब्रोज को कॉम करने के लिए एंड ब्लेंड करने के लिए। फिर बारी आती है आई मेकअप लुक की, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे ये प्लम की काजल पेंसिल। सो जैसे आप आईलाइनर ड्रॉ करते हैं सेम आपको इसी तरीके से आपने आईलाइनर ड्रॉ करते सेम आपको उसने आपको ड्रॉ कर लेना है एक बाहर को विंग निकालते हुए। फिर हम एक स्मजर ब्रश ले लेंगे। पहले मैं इसको अपनी दोनों आईज पे अप्लाई कर लूँगी। मैं दोनों मेकअप, ये दोनों आई का मेकअप साथ साथ लेके चल रही हूँ। सो आपने देख लिया मैंने कैसे इसको अप्लाई किया है। फिर मैंने एक स्मजर ब्रश ले लिया है, मेरे ब्रशेस वॉश नहीं है। सो देन मैंने इसको फिर हल्का सा स्मजर ब्रश से मैंने इसको ब्लेंड किया। थोड़ा सा इससे आपके जो स्मोकी लुक दिखेगा हल्का हल्का सा, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ किया। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ की थी मेबलिन की सिटी मिनी पैलेट और उसमें से मैंने ये डार्क ब्राउन कलर लिया है और इसको मैं अप्लाई करूँगी पूरी आईलिड पर। थोड़ा सा ये आज लुक थोड़ा रिवर्स रहेगा पर ये सीरियसली बहुत इजी है। अब बहुत इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत इजी है ये करना। फिर मैंने इसको पूरे आईलिड, मैंने इस कलर को, सेम कलर को पूरी आईलिड मैंने इसको प्लेस कर लिया एंड ब्लेंड करते जा रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, प्लीज़ कर देना, और साथ में बेल बटन प्रेस कर देना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं। उसके बाद मैंने सेम पैलेट से ये लाइट ब्राउन शेड लिया है और ट्रांजिशन के लिए मैं इसको यहाँ अब अपनी क्रीज लाइन से ऊपर मैं इसको ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर रही हूँ एंड कलर्स को मर्ज कर देंगे एंड बहुत अच्छे से ये आई लुक निकल कर आया था। मुझे सीरियसली पर्सनली बहुत पसंद आया था। और सेम कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे मैं इसको अप्लाई करूँगी। आज मैं कोई भी काजल नहीं अप्लाई करने वाली हूँ बिकॉज एक न्यू मेकअप लुक है, सो आई थॉट कि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगेगा बिना काजल के। सो मैंने इसको अपने वाटर लाइन पे, सॉरी अपने लोअर लैश लाइन पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया और इसको ब्लेंड कर लेना। देन मैंने सेम पैलेट लिया है और यहाँ से ये जो आपको मैटलिक कलर दिख रहा होगा ये गोल्डन सा, मैंने इसी को मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पे एंड यहाँ ब्रॉ बोन पे मैंने इसको अप्लाई किया एंड इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। मुझे ये मेकअप लुक पर्सनली बहुत पसंद आया था। और फिर मैंने इसके बाद यहाँ पे लिया है अपना फेवरेट मस्कारा जो कि है मेबलिन का। सो पहले हम जो भी एक्सेस हमारा मस्कारा जो उस पर लगा होगा उसको हटा देंगे एंड आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मैंने तीन कोट में, तीन पार्ट में मैंने अपनी आईलैशेस डिवाइड किया। एक इससे आपको फ़ैन जैसा आपने अप्लाई करना है ताकि कुछ कोट्स में ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए। सो देन
ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे लग गया था, तो मैंने क्या किया कि कंसीलर लिया एंड पहले थोड़ा सा जितना फिंगर से हट सका हटाया, एंड मैंने कंसीलर लिया फिर, और मेकअप स्पंज से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। सो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था वो, बहुत इजी होता है ऐसा करना। ओके सो फिर मैंने यहाँ पे लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे पिक किया है ये लैकमे का, लैकमे इंस्टा आई लाइनर। सो इससे हम ड्रॉ कर लेंगे एक विंग्ड आई लाइनर। विंग्ड आई लाइनर की पूरी वीडियो मैंने आपको दी है मेरे चैनल पे, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना कि कैसे अप्लाई करते हैं। ओके सो इसको मैंने दोनों आईज पे अप्लाई कर लिया है। ओके फिर हमारा रहता है अब लिपस्टिक। तो पहले मैं यहाँ पे एक हैक करने वाली हूँ, पहले मैं अपनी लिपस्टिक को न्यूट्रल कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है मेरे ही लिप कलर से मिलता हुआ एक कलर, ये है निक्स का लिप क्रीम। मैं आपको शेड दे दूँगी लिप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मैंने पहले अपने लिप्स को न्यूट्रल कर लिया, जो कि एक्चुअल मेरा लिप कलर है, मैंने उसी कलर को पिक किया और लिप्स पर अप्लाई किया। इससे क्या होगा कि अब जो भी कलर अप्लाई करोगे उसके बाद वो कलर बहुत अच्छे से एनहेंस होगा। सो एक बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत अच्छी ये ट्रिक है। ओके सो फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये मेबलिन की, ये मेबलिन की लिपस्टिक शेड है इसका न्यू न्यून से। सो इसे बहुत अच्छे से कलर जो था ये बहुत अच्छे से मेरे लिप्स पे आ गया, सो आई यूज डेट। सो और मेरे को इस इयरिंग्स के लिए बहुत तारीफ मिली थी, तो ये इयरिंग्स मैंने लिए है वेस्ट साइड से, ये है 300 रुपीज़ के। सो आप इस लुक को आप ओपन हेयर चाहे जाते तो ओपन हेयर कर लीजिए, चाहे तो आप बन बना लीजिए, या चाहे आप पोनी कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट था ये पोनी वाला लुक एंड मुझे बहुत पसंद आया लुक। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और थोड़े से मेरे यहाँ पे ये जलवे मिरर वाले, आई लाइक दिट।